सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है 25 अक्टूबर और आज है मेरा बर्थडे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने सारे वीडियो में आज मैंने क्या किया, दिन भर हम लोगों ने क्या क्या मस्ती की, घर पे कौन कौन आया और क्या क्या चीज़ बनी, खाने के पकवान से लेके ट्रीट से लेके, और बिल्कुल सब आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, क्योंकि बच्चे अभी नहीं है, सभी लोग स्कूल गए हैं, तो इसमें सोचा कि थोड़ा पढ़ा जाए, तब तक मैं 12 बजे तक थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम दिखाएंगे आपको अपना दिन भर का ब्लॉग। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस, 12 बज चुके हैं और बच्चे स्कूल से अपने जस्ट आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बच्चे, ये देखिए हमारे दिब्बू, इधर देखिए, हाय बोलिए सभी को। और यहाँ पर हमारे बिट्टू भी है, और बिट्टू भी आए हैं यहाँ पर अपने चाचा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिट्टू इधर आइए, और आपको दिखाते हैं बिट्टू को, और बिट्टू आप सबसे करेंगे हाय। बिट्टू सबको हेलो बोलो, बोलो हेलो। बिट्टू बहुत शर्माती है, वो कुछ नहीं बोलती, बस वो स्माइल करती है। तो चलिए, हमारे हर्ष भी अभी बाहर कुछ काम में बिजी है, तो और यहाँ देखिए किचन में कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। सो गाइस, शाम को केक तो आता रहेगा, पर उससे पहले बच्चों का मन था केक खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है तंदूर में केक बनने के लिए, और उसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगा। और यहाँ साथ में रोटी बन रही है, क्योंकि अभी बजे हैं दोपहर के 12। तो चलिए देखते हैं वहाँ क्या होता है वीडियो में। सो गाइस, केक हमारा बनके हो चुका है तैयार, चलिए आपको दिखा देता हूँ कैसे बना है हमारा केक। और बिट्टू काफ़ी एक्साइटेड है केक देखने के लिए, तो चलिए आपको दिखा देते हैं केक का एक लुक। सो गाइस, ये है हमारे केक का स्पॉन, लुक एट दिस, कितना स्पंजी बना है और कितना बेहतरीन एकदम बिल्कुल ब्रेड का टेक्सचर इसके अंदर आया है। बहुत ही टेस्टी केक बना है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा, और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड इस केक को खाने के लिए। सो गाइस, अभी बजे हैं दिन के 2, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है घर पर। नाना जी बैठे हुए हैं, मम्मी दीदी बच्चे सब डिस्कशन कर रहे हैं, और हर्ष और दिब्बू की डिमांड पर हम स्विगी और जोमेटो के थ्रू कुछ देख रहे हैं, कुछ पिज्ज़ा बर्गर और थोड़े से बेवरेज जैसे कि शेक वगैरह, सो देखते हैं। सो गाइस, अभी अभी ऑर्डर किए हैं यहाँ पर 3 चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, और देखते हैं पिज़्ज़ा आने में कितनी देर है, तब तक लगता है गेट पर कोई आया है, और देखते हैं कौन आया है। सो हुर्रे, सो हाय बोलो सभी व्यूअर्स को। हेलो हेलो, ओह बोल के तो देखो, ये क्या है, प्रिंसी मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट लाई है गाइस, सुपर एक्साइटेड, थैंक यू सो मच प्रिंसी। और देखिए सब लोग कैमरे में हाय बोलिए व्यूअर्स को, मेरे लिए विश यू हैप्पी बर्थडे डियर भैया, थैंक यू प्रिंसी दीदी। और इसमें भी क्या है मेरे लिए, ओह वाओ, सो प्रीशियस मेलोडी, मेरी फेवरेट चॉकलेट, मैंने रास्ते में ही खा ली, थैंक यू सो मच प्रिंसी। सो बच्चों के यहाँ डिमांड बढ़ती जा रही है, पिज्ज़ा के साथ होना चाहिए कोक, चलिए तब तक लेके आते हैं कोक, तब तक आ रहे हैं डिलीवरी वाले बॉय, और फिर हम उन्हें करेंगे पेमेंट, उसके बाद हम करेंगे छोटी सी ट्रीट बच्चों के साथ। सो गाइस, जब तक हमारा पिज़्ज़ा आ रहा है, तब तक मैं यहाँ पर मार्केट से जाके लेके आया हूँ बच्चों के लिए थोड़ी सी एक ट्रीट देने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मंच, चॉकलेट्स और फ्रूटी, हमें बड़ी वाली बोतल मिली नहीं है, क्योंकि बच्चे थम्सअप और कोका कोला तो पीते नहीं है, इसलिए छोटी वाली फ्रूटी मिली है, तो वही लेकर हम आए। और जब तक पिज्ज़ा आ रहा है, तब तक मैंने इसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। सो गाइस, हमारी वंशिका भी आ चुकी है टाइम पर, क्योंकि पिज्ज़ा जस्ट 2 मिनट के अंदर आने वाला है, और वंशिका ने मुझसे कल कहा था कि भैया मेरे स्कूल से आने के बाद ही पिज्ज़ा मंगाए, तो वंशिका है ऑन द टाइम, और हमारी डिलीवरी बॉय भी है ऑन द टाइम, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, पिज्जा हमारा आ चुका है, हर्ष और परी उसे लेकर आ रहे हैं, तो चलिए हर्ष परी, ओहो क्या बात है, तो स्विगी से हमारा ये पिज्जा आ चुका है, और बच्चे काफी एक्साइटेड है इसे खाने के लिए। चलिए अंदर अपना सेटअप लगाते हैं सारे ट्रीट का, और आपको दिखाते हैं वीडियो। सो हर्ष हमारे इसको खोल रहे हैं, और यहाँ पर और भी चीजें थोड़ी थोड़ी आ रही है साथ में, और यहाँ पर फ्रूटी भी आ चुकी है, तो बच्चे ओवरऑल सारा यहाँ पर सेटअप लगा रहे हैं हमारे ट्रीट का, उसके बाद फिर करेंगे इंजॉय पार्टी को।
सो गाइस देख रहे हैं आप बच्चों के क्या जल उड़ रहे हैं यहाँ पर। वाओ यहाँ पर चीज कॉर्न पिज्जा चॉकलेट और फ्रूटी और बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं छोटी सी ट्रीट। तो गाइस ये तो सिर्फ ट्रेलर है क्योंकि इसका बाद वाला जो पिक्चर तो बाकी है वो है रात में। सो चलिए हर्ष आप ओरिगैनो खा रहे हो या पिज्जा खाओगे? चलिए दिब्बू ने अपनी उठा ली है सारी चॉकलेट। चलिए बच्चों शुरू कीजिए। सो बच्चे यहाँ पर शुरू हो गए हैं पिज्जा पार्टी और अपनी फ्रूटी खाने के साथ साथ। चलिए बताइए बच्चों कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम ये भिंड में आपने पिज्जा खाया है? बहुत अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। टेस्टी है ना? दिब्बू कैसा है? सो गाइस ये तो था हमारा दिन का सीन और चलिए अब जाते हैं मार्केट और लेकर आएंगे केक और खाने का थोड़ा बहुत सामान और शाम को अपना देंगे पूरा आपको एक पिक्चर यानी कि पूरा हम दिखाएंगे आपको अपना सीन बर्थडे का शाम को किस प्रकार से हम लोग करते हैं सेलिब्रेट। तो अभी तो बच्चे काफ़ी खुश हैं, चलिए उन लोगों को करने दी इंजॉय और हम चलते हैं सीधे मार्केट। सो गाइस आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर अगर हम नए हैं तो सब्सक्राइब करें क्योंकि बच्चे तो यहाँ देखो बहुत खुश हैं। और चलिए आज का हमारा ब्लॉग का आधा पार्ट तो कम्प्लीट हो चुका है और आधा पार्ट हम दिखाएंगे आपको शाम को। सो गाइस शाम को 5 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ मार्केट केक का सामान और केक लेने और मटर पनीर मैं लेके आ चुका हूँ और खीर वगैरह जो प्रिपरेशन हो रही है वो सब किचन में आपको बाद में दिखाऊंगा, फिर मैं जाता हूँ केक लेने। सो गाइस मार्केट से आ चुके हैं और केक आ गया है ये देखिए और इसके साथ ही बैलून और भी थोड़ा बहुत सामान है। चलिए आपको फिर मिलते हैं सीधे अपनी बर्थडे पर और देखते हैं हम लोगों ने कैसे क्या इन्जॉय किया और कैसे क्या अपने सेलिब्रेशन किया। बर्थडे का केक और यह ब्लैक फॉरेस्ट केक जो मुझे बहुत पसंद आया तो ये मैंने ले लिया और दिब्बू यहाँ देख रहे हैं केक को, यहाँ बैलून और नाइफ और थोड़ा सा रिबन वगैरह कुछ ऑलरेडी हमारे पहले से रखे हुए थे इसलिए मैं सामान थोड़ा कम ही लेकर आया हूँ। तो चलिए इन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं डेकोरेट और सबको लगा के दिखाते हैं आपको कि इसके बाद हमारा रूम कैसा दिख रहा है। सो गाइस बजे अभी शाम को 6 और देखिए मैं बाजार से सामान जो लेकर आया था अब बच्चे कर रहे हैं डेकोरेशन और ये रहेगा हमारा आज सामने का जहाँ हमारा केक कट होगा इस जगह पर केक कटिंग होगी। और सही बच्चा अभी देखिए आप कितना एक्साइटेड है और सभी लोग अपनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, परी वंश का बिट्टू प्रिंसी और हर्ष ये सभी लोग बैलून फुला रहे हैं और चलिए दिखाते हैं इसके बाद। सो गाइस छोटी मोटी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है और अब चलिए जब तक तो कोई देरी अभी है तब तक थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर प्रिपरेशन शुरू हो गई है मटर पनीर की, यहाँ मटर अच्छे से उबल रही है, पनीर भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ बन रही है खीर और इस साइड में आलू भी उबल चुके हैं और आलू की यहाँ पर सब्जी बनेगी क्योंकि हमारे यहाँ भिंड में बहुत ही फेमस है ये सब्जी मठा के आलू और यहाँ बनी है गुजिया तो सबको साथ में की जाएंगी सर। तो गाइस यहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, लोग कर दिए साइड। केक कटिंग का भी टाइम है थोड़ा सा और ये देखिए यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी और यहाँ पर बच्चा पार्टी थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं तो चलिए वीडियो में आप देखते रहिए इस गेम को। सो दोस्तों केक कटिंग से पहले यहाँ पर बच्चों को भूख लग रही थी और यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं खाना। लुक एट दिस साइड। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे केक कटिंग। सो गाइस ये है मेरी ड्रेस, लुक एट दिस, हाउ इज इट, और सेटअप तैयार है, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और अब हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं और प्रिंसिपल से बैठ चुकी हैं और ये अमन और सब लोग तैयार हैं। और सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी शर्ट आपको कैसी लगी है, इसमें मैंने आज ही उसे मंगाया था स्पेशली और अच्छे लिए फिर देखते हैं आगे केक कटिंग का प्रोग्राम। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vicky भैया, happy birthday to
मस्ती आप देख सकते हैं गाइस। तो आज का दिन काफी एंजॉय किया ओवरऑल। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।